मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन विद नीतू त्यागी। व्हाट इज एडिशन? एडिशन इज द प्रोसेस वेयर बाय वी पुट ऑब्जेक्ट टुगेदर। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर स्मॉल लीव्स। हाउ मेनी लीव्स? Count it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number of small leaves, 8. There are big leaves. Big leaves, count it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So number of big leaves, 7. Big leaves is equal to 7. How many leaves are there in all? How many leaves are there in all? तो अब all यानी कि वो कह रहा है कि there are 8 small leaves, there are 7 big leaves. How many leaves are there in all? तो all का means क्या होगा यहाँ? प्लस वो कह रहा है कि टोटल लीव्स कितनी है। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि टोटल लीव्स कितनी है, तो क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ लीव्स, टोटल नंबर ऑफ लीव्स, कितनी लीव्स हैं, तो क्या करोगे आप? टोटल का मीन्स यहाँ क्या होगा? प्लस। क्या होगा यहाँ? प्लस। तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स 50, टोटल नंबर ऑफ लीव्स 50। तो ये होता है एडिशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें एडिशन क्यों करवा रही हैं? क्यों करवा रहे हैं बेटा? एडिशन जो है हमारी लाइफ में जो है, एडिशन का बहुत ही अहम रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। आप बाज़ार जाते हो, मार्केट जाते हो, वहाँ आप शॉपकीपर से सामान लेते हो, परचेज करते हो। अब आप उसे पैसे देते हो, आप पूछते हो कि कितने पैसे हुए। आपसे वो झूठ भी बोल सकता है कि आपने लिया है 100 का, और वो कह सकता है 200 हो गए। तो जब वो बोलेगा कि 200, तो एकदम आपके दिमाग में आता है, अरे इतना सामान तो हमने लिया ही नहीं, फिर ये इतने पैसे क्यों बता रहा है? तो आप अपने माइंड में पहले क्या करते हो? प्लस करते हो। क्या करते हो? प्लस करते हो कि इतने का सामान है। फिर आप कहते हो भाई आपने गलत लगाए हैं, इतने का नहीं, सामान तो इतने का है। और फिर वो आपसे क्या कहेगा? सॉरी भाई जी, गलती हो गई थी, है ना? तो ये क्या होता है? एडिशन होता है। तो ऐसे ही आप स्कूल आते हो, बस से आते हो, कोई रिक्शा से आता है, ऑटो रिक्शा से आता है, कोई पैदल आता है। अगर आपके स्कूल में मैम ने ये आपसे क्वेश्चन किया कि आप कितने किलोमीटर आए आज, तो आप कोई बोलेगा कि मैं 12 किलोमीटर, बस से आते हैं तो 12 किलोमीटर बोलेंगे। कोई बोलेगा कि मैं 1 किलोमीटर चल के आया, कोई बोलेगा मैं 500 मीटर चल के आया, सॉरी किलोमीटर, और कोई बोलेगा कि मैं 500 मीटर चल के, 500 यानी कि पैदल चल के आएगा, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर बनते हैं। तो ये देखिए, अब आप उनसे पूछोगे कि आप इतने चले हो, आए हो चल के, और इतने ही फिर वापस जाओगे, तो आज आपने कुल टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? तो ये देखिए वो कितना बोलेगा,
अगर आपको प्लस करना आता है तभी आप मैम को बताओगे कि 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये क्या होता है आपका प्लस, क्या बोलते हैं इसे प्लस। अब मैं आज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ, आपको क्या देती हूँ होमवर्क। अब आप जो है आज घर पर आप अपनी मम्मी से पूछोगे कि मम्मी आपके पास टोटल कितने सूट्स हैं, क्या पूछोगे मम्मा से कि आप मम्मी आपके पास टोटल कितने सूट हैं, फिर आप उन्हें अपनी नोटबुक में राइट करोगे। कहाँ पर राइट करोगे, नोटबुक में राइट करोगे। उसके बाद आप अपने पापा से पूछोगे कि पापा आपके पास कितने पैंट शर्ट हैं, कितने जोड़ी पैंट शर्ट हैं। पैंट शर्ट पहनते हैं तो पैंट शर्ट बोल सकते हो, कुर्ते पजामे पहनते हैं कुर्ते पजामे बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। फिर आप उन्हें भी राइट करोगे कि मेरी मम्मा के पास तो यानी कि 20 सूट हैं या 10 सूट हैं, और अब आपके पापा लोग तो कम में ही काम चला लेते हैं, मम्मी के पास ज़्यादा सूट होते हैं ना, तो जैसे कि 5 है, पापा के पास 5 जोड़ी कपड़े हैं, मम्मी के पास टोटल 10 सूट्स हैं। फिर आप उन्हें क्या करोगे प्लस। ये आज आपका होमवर्क है सभी बच्चों के लिए। आज जो है आपका ये सबसे पहले मैं क्वेश्चंस कराने से पहले आपको ये आपका होमवर्क दे रही हूँ। आज आपको सबसे पहले ये होमवर्क करना है, फिर आपको पता चलेगा कि हम एडिशन क्यों करते हैं, है ना। अब आपके भाई ने 2 चपाती खाई हैं, आपके भाई ने कितनी चपाती खाई हैं, 2 चपाती खाई हैं, और आपने 3 चपाती खाई हैं। तो अब आप अगर मम्मी कहें कि अच्छा बताइए आप दोनों ने टोटल कितनी चपाती खाई हैं, तो क्या करोगे प्लस, क्या करोगे आप प्लस। तो ये ही होता है एडिशन, इट इज़ क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। लेट्स स्टार्ट 235, 321। दोनों को क्या करना है प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अरेंज द डिजिट इन कॉलम अकॉर्डिंग टू दियर प्लेस वैल्यू। तो ये देखिए राइट हैंड साइड फर्स्ट डिजिट क्या होगी, वंस टेंस, और फिर क्या होगा आपका हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड। एड द डिजिट एट वंस प्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एड द डिजिट एट वंस प्लेस। हम सबसे पहले किसे एडिशन करेंगे, फर्स्ट नंबर पर जो वंस प्लेस पर जो डिजिट है सबसे पहले हम उन्हें ऐड करेंगे। 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 2। अब ये देखिए पहले हमने वंस प्लेस की डिजिट को प्लस किया, उसके बाद हम टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उन्हें प्लस करेंगे, उसके बाद जो 100 प्लेस पर डिजिट है फिर हम उन्हें प्लस करेंगे। तो देखिए अब टेंस प्लेस की डिजिट को प्लस करते हैं, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 235 प्लस 321 इज इक्वल टू 556। टेक सम मोर एग्जांपल्स, 298 प्लस 599। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डिजिट अकॉर्डिंग रियल प्लेस वैल्यू, वंस
हमने पहले से ही अरेंज कर रखा था, सिर्फ हमने उनके ऊपर वन स्टैंड और हंड्रेड राइट किया। अब देखिए एट प्लस नाइन इज इक्वल टू 17। अब ये देखिए 7 जो है हमारा वंस है और 1 जो है ये क्या है हमारा टेंस। 7 क्या है वंस, 1 क्या है टेंस। तो अब ये देखिए जब हम वंस प्लेस की डिजिट को प्लस कर रहे हैं तो 2 डिजिट एक साथ नहीं आ सकती, क्योंकि वंस की प्लेस पर सिर्फ वंस ही आएगा और जो ये कैरी है हमारी ये कहाँ जाएगी टेंस प्लेस पर, कहाँ जाएगी ये टेंस प्लेस पर। तो ये देखिए जो ये कैरी है ये हमने कहाँ एडजस्ट की टेन प्लेस पर, और अब हम इस कैरी को किसके साथ ऐड करेंगे टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट्स हैं उन्हीं के साथ इस कैरी को ऐड करेंगे। हमें यहाँ पर टेंस की प्लेस पर वंस की प्लेस पर 2 डिजिट एक साथ नहीं लिखनी है, वंस प्लेस पर सिर्फ वंस लिखना है और जो हमारी कैरी होगी वो हमारी नेक्स्ट प्लेस पर जाएगी। नेक्स्ट प्लेस क्या है टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पर जाएगी और जब हम टेंस प्लेस की डिजिट को प्लस करेंगे तो उसी के साथ हम कैरी को भी ऐड करेंगे। इट इज क्लियर। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 3 अगेन 1 कैरी। तो अब ये देखिए वंस टेंस हंड्रेड, तो अब ये कैरी आपकी कहाँ जाएगी हंड्रेड प्लेस पर, कहाँ जाएगी आपकी कैरी हंड्रेड प्लेस पर। तो ये देखिए अब जो ये हमारी कैरी है वो कहाँ होगी हंड्रेड प्लेस पर, हमें टेंस प्लेस पर टेन वाली डिजिट ही राइट करनी है 9, और ये जो कैरी होगी वो हमारी नेक्स्ट प्लेस पर जाएगी और नेक्स्ट प्लेस क्या है हमारा हंड्रेड। अब हम जो कैरी है हमारी उसे 100 प्लेस की डिजिट के साथ ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इट इज क्लियर। तो ये जो थे ये हमारे सिंपल क्वेश्चंस विदाउट कैरी, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे कैरी वाले क्वेश्चंस। कौन से हैं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विदाउट कैरी और ये कैरी वाले क्वेश्चंस हैं। टेक वन मोर एग्जांपल, थ्री हंड्रेड नाइन्टी नाइन टू हंड्रेड एट्टी सेवन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टेस्ट वंस टेंस हंड्रेड। 9 प्लस 7 क्या था, ये एडिशन कर रहे हैं हम, 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। तो 16 में मैंने अभी आपको बताया कि 2 डिजिट हम एक साथ नहीं राइट करेंगे, जो ये हमारा वंस है वंस को वंस के नीचे राइट करेंगे और जो कैरी है वो नेक्स्ट प्लेस पर जाएगी। नेक्स्ट प्लेस का नाम है टेंस, तो टेंस के साथ के ऐड करेंगे कैरी। 9 प्लस 1 10 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, अगेन 1 कैरी। तो अगेन 1 कैरी कहाँ होगी आपकी 100 प्लस। 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो 399 प्लस 287 इज इक्वल टू 686। नाउ वी विल एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर, नाउ वी विल एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर। 5,892 8,279 ये क्या है हमारे, ये क्या थे 3 डिजिट नंबर और ये क्या है हमारे 4 डिजिट नंबर। तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड।
1000. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एड द वंस प्लेस डिजिट. 2 + 9 = 11. 11 है तो ये जो है 1 हमारा क्या है, जो राइट हैंड साइड की डिजिट है वो हमारा 1 है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है हमारा 10s. तो 10s कहाँ जाएगा, 10s के प्लेस पर कैरी आई है हमारी 9 + 1. कैरी को हम किसके, जब कैरी हमारी 10s प्लेस पर गई तो जो 10s प्लेस की डिजिट है उसी के साथ प्लस करेंगे. 9 + 1 = 10. 10 + 7 = 17. 1 कैरी कहां पर गई, कैरी 100 प्लेस पर. 8 + 1 = 9. 9 + 2 = 11. अगेन 1 कैरी नेक्स्ट प्लेस पर, 1000 प्लेस पर. 1 = 6. 6 + 8 क्या होगा, 14. तो ये देखिए अब हमने कैरी जो है, अब हमारे पास 1000 से आगे कोई भी डिजिट नहीं है जहां हम कैरी को राइट कर सकें, तो इसीलिए हम यहां पर 14 ही राइट करेंगे. क्योंकि देखिए 1000 से आगे हमारे पास आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ 14 राइट किया. इट इज क्लियर. और आप ऐसे भी यहाँ इस कैरी को, यहाँ हम अगर लिखें 10000 और लेकिन हमारे पास कोई भी यहाँ डिजिट नहीं है, तो हम जो देखिए 5 + 1 = 6 6 + 8 = 14 14 का 4. 1 कैरी 10000 प्लेस पर गई. 10000 प्लेस पर हमारी कोई भी डिजिट नहीं है, तो हमने उसे ऐसे एज इट इज राइट किया. ऐसे भी कर सकते हो. और जब आपके पास कोई आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो उस डिजिट को आप फिर कैरी को एज इट इज राइट कर सकते हो. इट इज क्लियर. तो ये थे आपके एडिशन, ये थे 3-digit number, एडिशन ऑफ 3-digit number, ये है एडिशन ऑफ 4-digit number. टेक वन मोर एग्जांपल, 5625 6893 1s 10s 100 1000. 5 + 3 = 8. अब यहाँ देखिए ये क्या है, सिंगल डिजिट है 8, इसमें कोई भी कैरी नहीं है. तो अब जब हमारी कोई कैरी नहीं है तो हम यहाँ कैरी कहाँ से लगाएंगे, तो हमारी कैरी है ही नहीं, सिंगल डिजिट है, सिंगल यानी कि ये 1s है. अब हमें 2 + 9 = 11. अब 11 में हमारे कैरी है, 2-digit number है 11, तो अब हम कैरी को कहाँ रखेंगे, नेक्स्ट प्लेस पर, और किसके साथ प्लस करेंगे, 100 प्लेस पर जो भी डिजिट है. 6 + 1 = 7 7 + 8 = 15. अगेन 1 कैरी. 5 + 1 = 6 6 + 6 = 12. जब हमारे आगे कोई कैरी नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो हमने 12 ही राइट किया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल.